हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल कौर टिप्स। मैं सुखप्रीत और आज स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अ चिट चैट गेट रेडी विद मी मेकअप वीडियो, जिसमें मैं मार्स कॉस्मेटिक के न्यू लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ। एंड करंटली एक्चुअली आई एम सो क्लूलेस कि मुझे आप लोगों के साथ कौन से वीडियोज़ शेयर करने हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट, शेयर सम आइडियाज़ इन द कॉमेंट सेक्शन, कैसे वीडियोस देखना चाहते हो। मीनवाइल ये कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, सो आई थॉट चलो इनको ट्राई कर लेते हैं। ऑल्सो आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कुछ अफोर्डेबल मेकअप ब्रश, मेकअप टूल सेट के बारे में जानना चाहते थे, सो आई हैव दिस फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। तो आज के वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है। I have used this simple hyaluronic acid plus B5 booster serum और इसके ऊपर मैंने मॉइस्चराइज़र भी simple का अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, जिसमें कि अप्लाई करेंगे प्राइमर। दिस इज़ इट्स ग्लो ओ क्लॉक प्राइमर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक पम्प पैकेजिंग। ओके, हियर इट इज़। अच्छा, मुझे पता नहीं है अभी कितना ये लगाना चाहिए, तो आई थिंक दिस मच अमाउंट शुड बी गुड। पहले इतना अप्लाई करके देखते हैं। और दिस इज़ क्वाइट थिक, थोड़ा सा और लगा के देखते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसको जहाँ जहाँ अप्लाई करा ये वहाँ पे ही जैसे चिपक जाता है स्किन के ऊपर, वैसा फील आ रहा है। एंड इट्स क्वाइट स्टिकी, डूई तो है ही है। आई मे नीड अ लिटल बिट मोर एंड आई थिंक इसको ना फिंगर्स के बीच में वार्म करके लगाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। डायरेक्टली चीक्स के ऊपर लगाना वॉज नॉट अ गुड आइडिया। येस, सी नाउ इट्स वर्किंग बेटर। काफ़ी स्टिकी लग रहा है। मैं इसके बारे में अभी कोई ओपिनियन शेयर नहीं करूँगी, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस। इसको थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं। मार्स कॉस्मेटिक में कोई ब्राउ पेंसिल नहीं है, तो मैंने अपने आईब्रो ऑफ कैमरा फिल कर लिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, वो है बजट अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेज़। टोटल 8 ब्रशेज़ हैं, जिसमें कि 3 बड़े ब्रश हैं जो आप फेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और बाकी 5 स्मॉल आई मेकअप ब्रशेज़ हैं, जिसमें हैं एक बड़ा और एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश। एंड आई थिंक देयर साइज इज़ रियली परफेक्ट। लेट्स ट्राई देम आउट। एनीवेज, मैंने मास्क का सील द रील कंसीलर अप्लाई कर लिया है इस तरफ, एंड आई एम डूइंग द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। और अब बारी है आई मेकअप की। मुझे लग रहा है मैंने इस तरफ ज़्यादा कंसीलर लगाया, इस तरफ कम। लेट्स सी। एनीवेज, सो मेरे पास आज है मार्स कॉस्मेटिक का ये जश्न श्रृंगार आई शेडो पैलेट। एंड लुक एट द शेड्स, जिसमें बहुत ही प्यारे से शेड है। लाइक शादी फंक्शन के लिए, वेडिंग गेस्ट मेकअप के लिए, या फेस्टिवल के लिए मेकअप लुक करने के लिए सारे तरह के शेड हैं। इसमें मैट्स हैं, शिमर है, ग्लिटर भी है। एंड इनके नाम बहुत ही प्यारे हैं, जैसे कि दिस इज़ द शेड काजू कतली एंड दिस इज़ द शेड मिलनी, ये है शेड बिंदी। तो बहुत ही प्यारे शेड हैं। लेट मी नो अगर आपको इसके सारे शेड्स का स्वॉच देखना है। सो सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ ये शेड, जिसका नाम है मोती चूर, और इसको मैंने बड़े वाले ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर पिक कर लिया है। एंड इस आई शेडो पैलेट का एक ही ड्रॉबैक है, इसमें मिरर नहीं है। एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करते हुए इसको अप्लाई करूँगी आईज़ के आउटर कॉर्नर पे। पिगमेंट इज़ गुड। और इसको ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ लेके जाऊंगी। जो मैं आज आई मेकअप करने वाली हूँ ना, दिस इज़ वन ऑफ माय इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू डू आई मेकअप। अब मैं ट्रैवल भी कर रही थी, वहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम पे तो मैंने कोई मेकअप नहीं करा, बट हाँ जब हम अपने विलेज गए थे, जो ससुराल का गांव है, वहाँ गए थे, एट दैट डे आई डिड माई मेकअप। देन मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, ऑन दैट डे आई डिड माई मेकअप। देन मेरे मम्मा की रिटायरमेंट पार्टी थी, ऑन दैट डे ऑल्सो आई डिड माई मेकअप। सो आई यूज्ड दिस टेक्निक। जब भी टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो, आई यूजली गो विद दिस मेथड ओनली। ये ब्रश मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ आई शेडो की प्लेसिंग भी बहुत अच्छे से हुई है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एज वेल। और इसके साथ आई शेडो ब्लेंड भी काफ़ी सीमलेसली और स्मूथली हो रहा है। प्लस इस आई शेडो का पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यू कैन सी, एक ही बार मैंने ब्रश डिप करा था और इतना अच्छा कलर निकल के आया। मैं इसको अच्छे से ना ऊपर तक ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल सॉफ्ट कर दूँगी इसको बाहर की तरफ। लेट्स ट्राई दिस आई शेडो पैकिंग ब्रश। पहले इसके साथ एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो पिकिंग अप द शेड चूड़ियाँ, या लुक एट दिस। पैलेट नीचे गिरने वाला था एंड आई थिंक आई हैव स्पॉइल्ड द शेड सुरमा। लुक एट दिस, स्टिल बच गया। इसको साइड पे रखती हूँ, नहीं तो कहीं आज ही मैं इस पैलेट का उद्घाटन ना कर दूँ। ओके, लेट मी जस्ट क्लीन माई हैंड्स। सो दिस इज़ द शेड चूड़ियाँ। इसको आउटर कॉर्नर पे मैं प्लेस कर रही हूँ, एंड देन धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ। सटल सा शिमर और ग्लिटर है इसमें, ओके, सो ब्रश के साथ भी ये शिमरी शेड अच्छे से अप्लाई हुआ है एंड बट आई थिंक कि इसका पिगमेंट और बढ़ सकता है अगर इसको फिंगर टिप के साथ अप्लाई करें एंड येस डेफिनेटली फिंगर टिप के साथ आपको ज़्यादा इंटेंस पिगमेंट मिलेगा। मैं ये अग्नि शेड भी एड ऑन करने वाली हूँ यूजिंग विद माई फिंगर्स। मैं दोबारा से सेम ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इसके साथ अब आउटर एजेस को एक बार और ब्लेंड कर दूँगी। आई रियली लाइक इट। लेट मी नो आपको ये आई मेकअप कैसा लग रहा है। अब क्विकली सेकेंड आई के ऊपर भी मैं सेम आई लुक पहले क्रिएट कर लूँ इतना एंड देन आई विल मूव ऑन टू माई फर्दर मेकअप स्टेप्स। दिस वॉज रियली क्विक कि लोअर लैश लाइन के स्टेप मैं बाद में करूँगी। सो फेस के ऊपर मैं कोई कलर करेक्टर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आई रियली डिडंट हैव एनी। सो यहाँ पे मैं मार्स कॉस्मेटिक का बीबी क्रीम यूज़ करूँगी बिकॉज इसके साथ उनको कवरेज अच्छी आ जाती है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क ऑन दिस प्राइमर। प्राइमर के बाद डायरेक्टली ये बीबी क्रीम लगा रही हूँ। ये चिपक रही है स्किन के ऊपर विच नेवर हैपन बिफोर। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा इसको फिंगर्स के बीच में अगेन वार्म करके अप्लाई करती हूँ। आई वॉज थिंकिंग मैं ब्रश यूज़ करूँ बट कैन यू नोटिस ये कैसे स्प्रेड हो रही है जैसे कि यू नो फट रहा हो। बट इस बीबी क्रीम के साथ मैंने पहले ये वाली चीज़ कभी नोटिस नहीं करी है। मे बी दिस कुड बी द प्राइमर ऑल्सो। चलो इसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं। मुझे लग रहा है जो प्राइमर है इसके ऊपर जो बेस लगा रहे हैं वो बेस उसके साथ स्टिक हो रहा है। दैट इज़ वाई इट वॉज यू नो गिविंग दैट पैची लुक अर्लियर। लेकिन अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। फेस इज डन और मेरा पिगमेंटेशन अभी भी सी थ्रू हो रहा है। इसको मैं एज इट इज़ रहने दूंगी। आई एम नॉट गोना टच इट बिकॉज समहाउ आज मुझे जो प्राइमर के ऊपर मैंने बीबी क्रीम लगाया आई एम जस्ट नॉट सेटिस्फाइड द वे इट इज़ ब्लेंडेड ऑन माई स्किन। तो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ रही हूँ, कवर नहीं कर रही हूँ पिगमेंटेशन को और नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर रही हूँ जिसमें मैं मार्स कॉस्मेटिक का फेस पैलेट यूज़ करूँगी। दिस इज़ देयर फैंटेसी फेस पैलेट। सो बिकॉज आई हैव डन अ कोरल आई मेकअप लेट्स गो विद दिस कोरल शेड ब्लश और ऊपर से नीचे की तरफ पैड करते हुए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और वेट टिल वी फिनिश द होल लुक। इवन द ब्रश इज़ गुड। और उसके बाद ये वाला ब्रॉन्जर शेड लेट मी जस्ट स्वॉच एंड सी कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक दिस इज़ मोर वार्म तो मैं ये वाला शेड पिक करूँगी एंड इसको जहाँ पे ब्लश लगाया ना उसके साथ ही मैं ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी ऊपर की तरफ लाइक दिस। बट एकदम ब्लश के ऊपर नहीं, थोड़ा लोअर साइड में। वैसे गर्मियों के शादी फंक्शन के लिए ये कोरल लुक आप ट्राई करोगे या फिर यू लाइक पिंक मेकअप और गोल्डन मेकअप। लेट मी नो व्हाट इज़ योर मेकअप चॉइस। हाइलाइटर पहले अप्लाई कर लेते हैं। एनीवेज इससे पिक करते हैं। ये इससे पिक हो रहा है अच्छे से। ये शेड इसका अच्छा निकल के आ रहा है। इट इज़ लुकिंग गुड। अब मुझे फुल फेस को थोड़ा सा सटल करना है। सो मैं ये मार्स कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। आई स्टिल हैव फ्यू प्रोडक्ट्स बट दोज आर आई मेकअप प्रोडक्ट्स। तो पहले ये फेस को सेट कर लेते हैं अदरवाइज कुछ भी फॉल आउट हो सकता है। सो मैं ये ब्रश के ऊपर ले रही हूँ पाउडर एक्स्ट्रा को कर रही हूँ डस्ट ऑफ और फिर इससे जेंटली फेस को कर लूँगी सेट। सो एंड हियर यू सी जब मैं पाउडर के साथ फेस सेट कर रही हूँ ये इंस्टेंटली ये वाली साइड इधर से थोड़ी बेटर लग रही है बिकॉज जो प्रोडक्ट लगाए हैं ना वो टोन डाउन हो जाते हैं जब आप पाउडर लगाते हो। तो अगर आप पहले बहुत ही लाइट प्रोडक्ट लगाओगे फिर ऊपर से पाउडर लगा दोगे तो आपको बाद में कुछ पिगमेंट दिखने को ही नहीं मिलेगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा लाइक मैंने प्रोडक्ट लगाया था वो गया किधर। सो थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको दिखना चाहिए। ऑल्सो आपको थोड़ा माइंड में रखना होगा कि आप मेकअप जो है लाइक फोटोग्राफिक मेकअप कर रहे हो या फिर जस्ट आप किसी के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो या जस्ट आपको एक फंक्शन अटेंड करना है जिसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं होंगे। सो बहुत ज़्यादा रियल या नेचुरल दिखने वाला मेकअप करोगे तो डेफिनेटली ये जो ब्लश आपको अभी दिख रहा है इससे भी आप बहुत कम लाइट ब्लश लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पिक्चर्स लेने वाले हो या फोटोग्राफ होने वाली है आपकी बहुत सारी और आप चाहते हो कि आपके फेशियल फीचर्स उसमें एनहांस होकर दिखें तो थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको चेहरे के ऊपर दिखना पड़ेगा। अगर वो दिखेगा तभी वो पिक्चर्स में थोड़ा नेचुरल दिखाई देगा। सो फुल फेस को मैंने पाउडर से सेट कर लिया है एंड इट्स सी अभी आप देख सकते हो ब्लश जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। आई मेकअप के स्टेप कंप्लीट करने हैं एंड उसके लिए मेरे पास यहाँ पे है मार्स कॉस्मेटिक के ये दो काजल, वन इज़ इन ब्लू वन इज़ इन गोल्डन। तो ब्लू नहीं यूज़ करेंगे, आज मैं गोल्डन यूज़ करने वाली हूँ। एंड यस द पैकेजिंग इज़ सो नाइस, बहुत ही फैंसी लग रहा है। और गोल्डन को मैं वाटर लाइन के ऊपर टाइट लाइन कर कर अप्लाई करती हूँ। लेट्स सी कि इसका पिगमेंट कैसा है, इसको आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। इस तरफ मैंने कोई काजल अप्लाई नहीं करा, इस तरफ मैंने ये गोल्ड काजल पेंसिल अप्लाई करी है और मुझे इसका इफेक्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे आंखें थोड़ी ओपन अप दिखाई दे रही है और हल्का सा सटल शिमरी इफेक्ट भी है और बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग शिमर नहीं है इसमें। अब लोअर लैश लाइन के लिए आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी इंटेंस डार्क शेड, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ शेड दुल्हा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर और इसको लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करूँगी। इस लुक में मैं इस वक्त कोई आईलाइनर नहीं लगाने वाली हूँ एंड आई एम डायरेक्टली मूविंग ऑन टू यूजिंग अ मस्कारा एंड दिस इज़ अ न्यू लॉन्च, दिस इज़ मार्स डबल ट्रबल मस्कारा। सो दिस इज़ अ डुअल मस्कारा एंड दिस इज़ फॉर लेंथ। और चलिए इसका कोट अप्लाई कर लेते हैं पहले। एंड वॉल्यूम के लिए आप इसको नीचे से ओपन करोगे एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। नेक्स्ट लुक को कंप्लीट कर लेते हैं लिपस्टिक के साथ एंड अगेन दिस इज़ अ न्यू लॉन्च, दिस इज़ मार्स क्रीमी मैट लिपस्टिक और ये है शेड नंबर 16 बेरिलिशियस बेले। लेट्स सी कि ये मेरे मेकअप के साथ मैच होता है कि नहीं, बिकॉज मैंने लिपस्टिक शेड तो चेक ही नहीं करा था। एंड दिस वन इज़ पैक्ड एज वेल एंड आई एम डाउटिंग, मुझे लग रहा है ये थोड़ा पिंक शेड होने वाला है। चलो इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं। ओके एंड क्रीमी तो बहुत है ये लिपस्टिक पर, ये पिंक शेड में है और मेरा आई मेकअप है कोरल में, सो आई नीड टू फाइंड अ कोरल लिपस्टिक। लिपस्टिक मिल गई मुझे, दिस इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक ओनली और ये है शेड नंबर 23 कॉन्फिडेंट वुमेन। दिस इज़ अ कोरल लिपस्टिक बट दिस इज़ टू इंटेंस। यस अब थोड़ा सा शेड जो है वो सटल लग रहा है, टोन डाउन हो गया है। अब पूरे फेस को सेट कर लेते हैं मार्स कॉस्मेटिक सील्ड रियल मेकअप फिक्सर के साथ। नाउ अलाउ मी अ मोमेंट टू ड्रेस अप माई सेल्फ। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। मार्स कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ कुछ ऐसा मेकअप लुक आज क्रिएट हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आज आपके साथ ये सारा मेकअप करने का तरीका शेयर करा और जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे उसमें से जो प्राइमर था इसको तो और ट्राई करना पड़ेगा बिफोर आई कैन शेयर कि कौन सी स्किन टाइप के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। ग्लोई लुक तो डेफिनेटली देता है लेकिन स्किन के ऊपर काफ़ी स्टिकी लग रहा था तो इसको और ट्राई करना पड़ेगा। मेकअप ब्रशेस डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और काजल पेंसिल भी अच्छी है, इट्स रियली गुड। आई थिंक इसके साथ लाइनर भी लगा सकते हैं। मस्कारा इज़ ऑल्सो डिसेंट। आई शेडो पैलेट मुझे बहुत पसंद आया और फेस पैलेट इज़ ऑल्सो गुड। जो प्राइस पॉइंट है इसका उस हिसाब से ये अच्छा है। ये आज का वीडियो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और किस तरह की मेकअप ट्यूटोरियल्स या स्किन केयर टिप्स या किस तरह के वीडियोस आप आगे देखना चाहते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।